ये चीज मैंने खुद अपने अकाउंट पर अप्लाई करी और मुझको इतने तगड़े वाला रिजल्ट मिला कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। ठीक है, एक दिन में कितनी रील्स अपलोड करनी चाहिए, काफी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप दो कर लो, काफी लोग बोलते हैं आप तीन कर लो, काफी लोग बोलते हैं कि एक ही कर लो, और काफी लोग ऐसे हैं जो ये भी बोलते हैं कि आप एक एक दिन गैप कर करके भी डाल सकते हो। ठीक है ना, तो कौन सी बात सच्ची है, बिल्कुल एल्गोरिथम के साथ और बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मैंने एक्सपीरियंस कराया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वही आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो भाई वीडियो तक लास्ट तक बने रहना। ठीक है, वैसे मुझे बोलना नहीं आता इसलिए मैं अटक जाता हूं इस चीज पे, आपकी मर्जी है भाई, जब तक आपको देखना है। ठीक है ना, तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस देखो, यहां पर मैं जाता हूं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सॉरी सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो ऑन कर लेता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ चुका हूँ, खुल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं जब मैंने आईफोन लिया था तो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे व्यूज़ देख सकते हो, यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग मेरे व्यूज़ देख सकते हो, 3000 2000 2000 3000 और 2000 ऐसे ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है ना, टेंशन मत लो, मैं बता दूँ ऐसा क्यों इतने कम क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ऐसे तो मेरे आज तक आई नहीं है, मेरे तो दो दो ढाई ढाई लाख एक लाख ऐसे ऐसे 20,000 30,000 ऐसे ऐसे आते थे। ठीक है ना भाई, ये ट्रिक करने के लिए मुझको एक एक्सपेरिमेंट करना था और उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझको कम से कम एक महीना लग गया। मैं आपको दिखाता हूं अभी लाइव प्रूफ और आपको खुद यकीन हो जाएगा कि भाई मैं चाहे एक महीना लग जाए वीडियो के लिए, चाहे दो महीने लग जाए, बट मैं सोचता हूं कि भाई पूरा जो बात सच है वही आप लोगों को बताऊं, तभी आपकी वीडियोस पे अप्लाई होंगे और तभी आप लोग मुझे भी पसंद करेंगे। मैं कोई फेक चीज चाहता नहीं कि भाई वीडियो बनाई और निकल गया, नहीं यार, आपको आगे भी मुंह दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जब मैंने आईफोन लिया था मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, लाइक मैं यहां पर रैंडमली अपनी रील्स खोलता हूं, इसके इनसाइट पर जाता हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हो इसकी डेट, देख सकते हो मैंने कब इसको अपलोड करा, यहां पर इसको अपलोड करा मैंने 9 फरवरी। ठीक है ना, आप लोग साफ साफ देख सकते हो 9 फरवरी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आता हूं याली वीडियोस पे और इसके हम इनसाइट पे जाते हैं, ये देखते हैं हमने कब अपलोड करा और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10 फरवरी। ठीक है ना, तो मतलब अगले दिन ही, मैंने कोई गैप नहीं करा, एक दिन में एक रील्स अपलोड करा था। कुछ कुछ ऐसा जा रहा था कि मैं यहां पर कोशिश कर रहा था कि दो एक दिन का गैप हो जाए, तो वो मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट करा। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर इसके इनसाइट पर जाता हूं और ये मैंने 14 फरवरी को, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के आप लोग कह सकते हो तीन एक दिन मैंने यहां पर गैप कर लिया। ठीक है ना, और यहां पर भाई मैंने गैप कर लिया, मेरे जो व्यूज थे वो नॉर्मली आ रहे थे। ठीक है, अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा जो कि मुझे लग रहा था कि काफी टाइम बाद एक रील्स अपलोड करूं तो क्या इंस्टाग्राम उसको प्रमोट करेगी। आप लोग देख सकते हो मेरी जो सेकंड लास्ट रील्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, जिसपे एक मेरी फ्रेंड है, इसका बर्थडे था 21 फरवरी को, तो मैंने इसके बर्थडे वाले दिन एक रील्स अपलोड करी थी। ठीक है ना, आप लोग इसकी डेट देख सकते हो, यहाँ पर इसकी डेट है 21 फरवरी होगी, पता है मुझे इसका बर्थडे आता है। ठीक है, तो भाई 21 फरवरी को मैंने इसके साथ रील्स अपलोड करी। ठीक है, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया और उसके बाद मैंने अपनी यारी रील्स अपलोड करी और इसके आप व्यू इनसाइट पर जा सकते हो और इसके देख सकते हो 17 मार्च को अपलोड करी। ठीक है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। अब मैंने सोचा कि भाई इसको करके देखता हूँ तो क्या मुझे ये रिजल्ट मिले, डेफिनेटली मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सेकंड लास्ट वीडियो है उस पर है 3,500। ठीक है ना, और इस पर है 6,000 और इस पर आ रहे हैं अब और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो मेरी रैंक में जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है वीडियो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल कि हम कुछ टाइम बाद अपलोड करें तो हमारी रील्स पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं? तो गाइज ये बात आप लोगों ने खुद नोटिस करी होगी, जब आप रेगुलर वीडियोज डाल रहे हो तो आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, बट अगर आप एक या दो हफ्ते का गैप लेके वीडियोज डालते हो तो उस पर अचानक 1,000 अचानक 2,000 आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंस्टाग्राम आपकी जो आप रेगुलर वीडियोस डालते हो, इंस्टाग्राम आपको रेगुलर प्रमोट नहीं करती है। इंस्टाग्राम आपको यहां पर जो प्रमोट है वो कब करती है? कुछ कुछ गैप लेके, कुछ कुछ टाइम का गैप लेके आप प्रमोट करती है। अब वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इंस्टाग्राम का कहना है कि हम आपको एक बार प्रमोट करेंगे, उसके बाद आप यहां पर अपनी रील्स डालिए, अब अपने टैलेंट से फेमस होइए, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बूस्टअप चाहिए तो हम एक या दो हफ्ते बाद आपको दोबारा प्रमोट कर देंगे। तो ऐसे ऐसा इंस्टाग्राम करती है। ठीक है, और आप लोगों ने बात खुद नोटिस करी होगी, जो रेगुलर डाले उसके व्यूज नहीं आ रहे, बट यहां पर जो एक या दो दिन का गैप लेके वीडियोस डाल रहा है तो उसके व्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो भाई कुछ टाइम का गैप लो, दो दिन का ले लो, तीन दिन का ले लो, उसके बाद रील्स अपलोड करो, उसके बाद एक एक दिन यहां पर गैप कर करके अपनी रील्स अपलोड करो। काफी यूट्यूबर बोलते हैं कि नहीं, दिन में तीन बार करो, दिन में चार बार करो, भाई वो खिचड़ी मत पकाओ, एक अपलोड करो, बहुत अच्छी से अपलोड करो, बट कुछ गैप लेके अपलोड करो ताकि इंस्टाग्राम आपको प्रमोट करे उस रील्स में। सपोज करो कि आप एक अच्छी रील्स बना रहे हो, ठीक है ना, आपने 3 रील्स बनाई अपनी बिल्कुल बेस्ट, जो मतलब आप अपना सारा टैलेंट दिखा सकते हो उस रील्स में। ठीक है ना, आपने 3 रील्स बनाई, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, आपने तीनों दिन यहाँ पर एक दिन में तीनों रील्स अपलोड कर दी, इंस्टाग्राम एक को ही तो प्रमोट करेगी, अरे ऐसा भी हो सकता है किसी को प्रमोट ना करे, तो आपकी वो जो रील्स है ना वो वेस्ट हो गई। अगर आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट हुआ तब वायरल हो सकती है, अदरवाइज वो आपकी रील्स हो गई वेस्ट। बट अगर मेरे कहने से आप करोगे कि आप एक अपलोड कर रहे हो, उसके बाद इंस्टाग्राम ने आपको प्रमोट नहीं करा, बट आप 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम आपको गारंटी यहाँ पर
प्रमोट करेगी उस रील्स में। ऐसा आपके साथ होता है ना कि जब आप रील्स अपलोड करते हो अचानक आपके 1000 व्यूज आ गए, मतलब अभी तो 100 हैं और आप देख रहे हो अचानक 1000 आ गए, उसके बाद रुक गए, तो वो इंस्टाग्राम ने प्रमोट करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उसके बाद 3-1 दिन गैप लेके दोबारा से रील्स अपलोड कर रहे हो तो उस पर भी चांसेस है कि आपको वो भी प्रमोट होए। तो कोशिश करो आपके सारे रील्स प्रमोट है, आपका जो कॉन्टेंट है वो इंस्टाग्राम सभी लोगों को दिखाए, तो इसलिए आपको गैप लेना ही जरूरी है। बट हाँ, अगर आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं रील्स पर, ठीक है ना, आप रेगुलर अपलोड कर रहे हो और आपके 5000-10000 ऐसे ऐसे अब यहाँ पर डेली व्यूज आ रहे हैं, बट आपको लालच हो रहा है और ज्यादा व्यूज का, तो भाई लालच मत करो, अच्छा कंटेंट अपलोड करो। अगर आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो आप रेगुलर ही अपलोड करो, वो खिचड़ी मत पकाओ, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, दिन में 1 बार अपलोड करो, बट अच्छी अपलोड करो। अगर आपके रेगुलर व्यूज आ रहे हैं तो आप गैप मत लो, क्योंकि भाई अगर आपके रेगुलर व्यूज आ रहे हैं ना तो और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो ताकि व्यूअर्स और आए, ठीक है ना। गैप मत लो, गैप लोगे तो कंटेंट यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। गैप बिल्कुल भी मत लेना अगर आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बट अगर आपके 1000 से नीचे नीचे आए जा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे, तो भाई मेरी मानो कुछ गैप लो, कुछ टाइम का यहाँ पर थम जाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, दिमाग से कंटेंट बनाओ, उसके बाद अपलोड करो। बट अगर आपके रेगुलर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो आप रेगुलर ही अपलोड करो बेस्ट कंटेंट से। तो यही मेरा कहना है, ये इंस्टाग्राम ने कहीं भी नहीं लिख रखा है, मैं आपको साफ कह रहा हूं। कभी कोई बंदा बोले कि भाई तुषार कहां लिख रखा है ऐसा ऐसा, तो झूठ बोलता है। ये इंस्टाग्राम ने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, ये मैंने अपने मन से अपना प्रैक्टिकल करके देखा, उसके बाद मुझको रिजल्ट आया, तभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और आपने भी बात नोटिस करी होगी कि अगर आप रेगुलर अपलोड करो तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो ये मेरा ही मानना था, ये मेरी ही ट्रिक है। अगर आपको यहाँ पर आपको सुधार लगता है तो आप इसको कंटिन्यू करना, अगर नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, यहाँ पर और सारे ट्रिक लाते रहेंगे। वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस तो आते रहेंगे भाई, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा भाई। 3 वीडियोस पड़ी हुई है और उनको 2 हफ्ते हो गए हैं, उन पर अभी एक्सपेरिमेंट जारी है, अभी आपके सामने ले आऊंगा, 2-3 दिन बाद शायद वो वीडियोस आ जाए, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो तो इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, सीधा था मैं नया प्यार और फिर मिलेंगे चलते चलते।